Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today we will going to start ENV chapter number 6, Plants Around Us. Hamare aaspaas ke plants. It is a plant. If we look around, we will find different kinds of plant growing around us. Hum hamare aaspaas jab dekhte hain, to hume kya dikhta hai? Bahut sare aise alag alag plants dikhte hain, jo hamare aaspaas grow hote hain. Types of plants. Big and tall plants with thick and strong stems are called trees. जो plants बहुत बड़े thick and strong stems वाले होते हैं उसे क्या बोलते हैं? Trees बोलते हैं. Some examples of trees. This is a picture of peepal tree. This is a picture of Ashok tree. This is a picture of neem tree. And this is a picture of banyan tree. Some plants are much smaller than trees. कोई कोई प्लांट होते हैं वो ट्रीज से भी छोटे होते हैं. दे हैव वुडी स्टेम्स. उनके स्टेम्स कैसे होते हैं? वुडी होते हैं. दे आर कॉल्ड श्रब्स एंड बुशेस. उसे हम क्या बोलते हैं? श्रब्स एंड बुशेस बोलते हैं. सम ऑफ दिस आर. उसके एग्जांपल्स नीचे हैं. चलो देखते हैं. दिस इज अ पिक्चर ऑफ रोज प्लांट. दिस इज अ पिक्चर ऑफ कॉटन प्लांट. दिस इज अ पिक्चर ऑफ लेमन प्लांट. एंड दिस इज अ पिक्चर ऑफ हिबिस्कस प्लांट. सम प्लांट्स आर वेरी स्मॉल. कोई कोई प्लांट बहुत ही छोटे होते हैं. दे हैव सॉफ्ट स्टेम्स. उनके स्टेम्स कैसे होते हैं? एकदम सॉफ्ट होते हैं. दे आर कॉल्ड हब्स. उसे हम क्या बोलते हैं? हब्स बोलते हैं. हब्स यानी जड़ी बूटी. दिस इज अ पिक्चर ऑफ स्पिनेच. दिस इज अ पिक्चर ऑफ कोरिएंडर. दिस इज अ पिक्चर ऑफ मिंट. एंड दिस इज अ पिक्चर ऑफ ग्रास. सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम्स. कोई कोई प्लांट के जो स्टेम्स है वो वीक होते हैं. दे नीड हेल्प टू स्टैंड स्ट्रेट. उनको स्ट्रेट खड़े रहने के लिए हेल्प की जरूरत होती है. दिस प्लांट आर कॉल्ड क्लिम्बर्स. उसे हम क्या बोलते हैं? क्लिम्बर्स बोलते हैं. ग्रेपवाइन एंड बीन प्लांट आर सम एग्जांपल्स ऑफ क्लिम्बर्स. क्लिम्बर्स के एग्जांपल्स कौन से हैं? ग्रेपवाइन एंड बीन प्लांट्स. प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स ग्रो अलोंग ग्राउंड. कोई कोई प्लांट होते हैं उनके जो स्टेम्स है वो एकदम वीक होते हैं. तो वो कहाँ ग्रो होते हैं? ग्राउंड में ग्रो होते हैं. दे कॉल्ड क्रीपर्स. उसे हम क्या बोलते हैं? क्रीपर्स बोलते हैं. For example, pumpkin plants. This is a picture of a bean plant and this is a picture of a pumpkin plant. Most plants start their life as a seed. Most of plants unki life kahan se start karte hain? As a seed start karte hain. A seed needs air, water and sunlight to grow into a new plant. Seed ko new plant mein grow hone ke liye kya kya cheeze zarurat hai? Air, water and sunlight. Of plants. Plants are useful to us in many ways. Plants है वो हमें बहुत सारे ऐसे ways में useful होते हैं. Plants give us foods such as fruits, vegetables and grains, rice and wheat. Plants हमें क्या देते हैं? Fruits देते हैं, vegetables देते हैं और grains. Grains में rice and wheat. Plants give us medicines. कोई कोई plants medicines के लिए भी helpful है. Plants give us food for making our table and chairs. टेबल्स और चेयर बनाने के लिए जो वुड होता है वो कहाँ से मिलता है? प्लांट के पास से. प्लांट्स गिव अस कॉटन फॉर मेकिंग क्लोथ्स. क्लोथ्स बनाने के लिए जो कॉटन है वो भी प्लांट्स के पास से मिलता है. प्लांट्स गिव अस गम एंड पेपर. प्लांट्स गिव अस शेड. प्लांट्स हमें क्या देते हैं? शेड देते हैं. प्लांट्स गिव फूड एंड शेल्टर टू बर्ड्स एंड एनिमल्स टू. प्लांट्स बर्ड्स और एनिमल्स को भी फूड प्रोवाइड करते हैं. प्रोवाइड शेड टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स. प्लांट्स है वो ह्यूमंस एंड एनिमल्स के लिए शेड भी प्रोवाइड करते हैं. प्लांट्स प्रोवाइड फूड. प्लांट्स है वो एनिमल्स के लिए भी फूड प्रोवाइड करते हैं. प्लांट्स मेक द एयर क्लीन. एयर को क्लीन बनाने का काम कौन करता है? प्लांट्स करते हैं. वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड लुक आफ्टर देम वेल. हमें ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा प्लांट करना चाहिए और उनकी केयर करनी चाहिए. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.